नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी नल जल योजना को लेकर एक्शन मूड में। खबर मध्य प्रदेश के जिले के विकासखंड भीमपुर में मंगलवार को मंगल भवन में विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा 101 आवेदनों पर ग्रामवासियों की सुनवाई की गई एवं उपस्थित विभागीय अधिकारियों को 7 दिवस में गंभीरता पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि प्रत्येक मंगलवार को विकासखंड स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है, जिससे बैतूल जिला स्तर पर जन सुनवाई में आकर ग्रामीणों को अनावश्यक परेशान नहीं होना होगा और विकासखंड स्तर पर ही अपनी समस्याओं का निदान करा सकेंगे। कलेक्टर सूर्यवंशी पीएचई विभाग के अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एकाएक सीधे मौका स्थल पर योजना का क्रियान्वयन देखने डोरी खामापुर आदर्श धनोरा ग्राम पहुंचे तथा नल जल से पानी प्राप्त होने की स्थिति की ग्रामीणों से चर्चा की गई। अलधरातल पर नल जल से ग्रामीणों को पानी प्राप्त नहीं होने तथा कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं होने पर पीएचई विभाग व ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाया तथा 3 दिवस में तत्काल कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश विभाग व पीएचई विभाग के उपस्थित अधिकारियों को दिए। विभाग से संबंधित शिकायत एजेसी मैसेस कोठारी इंफ्रास्ट्रक्चर खंडवा के द्वारा 12 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें पलासपानी डोरी खामापुर बेला बक्का टिटवी बाटला कलक देसली इन ग्रामों में पेयजल चालू न करने पर शिकायत प्राप्त हुई, जिसका कलेक्टर द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया, जिनमें कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा ठेकेदार को फटकार लगाते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी निर्देश दिए कि 7 दिवस के अंदर विद्युत कार्य पूर्ण कर पेयजल प्रारंभ कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार पर शासकीय कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कृषि देशमुख एजेंसी शाहपुर के कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसके आदर्श धनोरा के नल जल योजना का कार्य 3 वर्ष से अधूरा है। कार्य समय पर न करने से कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और तत्काल ट्रांसफॉर्मर लगाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश विभाग व पीएचई विभाग को दिए गए हैं। आइए जानते हैं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टर ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। महोदय, आज आपके द्वारा जो निरीक्षण किया गया और आपके पास में जो ग्रामीणों द्वारा समस्या रखी गई, तो इसको लेकर आपके द्वारा क्या किया गया? देखिए, आज ये जो जनसुनवाई का एक आयोजन किया गया था हमारे द्वारा, साथ में कुछ पीएचई विभाग की शिकायतें प्राप्त होती जिसके संबंध में आज विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया है। ठेकेदारों के प्रति नाराजगी की गई है। आवश्यकता होगी तो ठेकेदारों के विरुद्ध शासकीय राशि के को हानि पहुँचाने के संबंध में या उस योजनाओं के विलंब के संबंध में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो विभिन्न जो पेयजल की योजना है वो यथा समय पूरी हो। सर, आपके पास में और भी कुछ शिकायतें आई थी, जैसे रिश्वत लेना वेटरनरी के संबंध में, उस विषय में सर आपके पास पुरानी शिकायत है जिसमें शायद पुलिस में थाने में जो पुलिस थाने में उसकी जांच भी है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया करने की कार्रवाई की है और साथ आज डिप्टी डायरेक्टर को बताया है वेटनरी को कि वो नस्ती प्रस्तुत करेंगे, अगर दोषी हो गए तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और सर, जो अटैचमेंट का जो चल रहा है अधिकतर जो दिखने में आ रहा है, हम लोगों ने सारे अटैचमेंट निरस्त कर दिए हैं और जो भी होगा हम आगे भी करेंगे। थैंक यू।